मेडल बहुत दाग सिर्फ एक, पता नहीं कौन है, कहां है, सिर्फ उसका नाम पता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फिल्मी फाट। और आज आप, मैं आपको बताने वाला हूं सलमान खान की आने वाली फिल्म राधे के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि डायरेक्टर प्रभु देवा अपनी डिफरेंट सोच और क्रिएटिविटी के लिए बॉलीवुड में फेमस हैं। फिल्म राधे के लिए भी उन्होंने सलमान खान को नए एक्शन और नए स्टंट्स के साथ में प्रेजेंट किया है। राधे मूवी की कास्टिंग के बारे में आपको बता दूं कि सलमान खान के साथ में आ रहे हैं रणदीप हुड्डा। जहां तक रणदीप हुड्डा के कैरेक्टर की बात करें तो रणदीप हुड्डा इस पिक्चर में एक पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाने वाले हैं, जो सलमान खान को पकड़ने के लिए पूरी मूवी में चेस करेंगे। सूत्रों से पता चला है कि डायरेक्टर प्रभु देवा के कहने पर तेलुगु मूवी के सुपरस्टार नर्रा श्रीनिवास सलमान खान के साथ राधे मूवी में एक्टिंग करते हुए दिखाई देने वाले हैं। राधे मूवी में सलमान खान के साथ नजर आने वाली हैं दिशा पटानी। जी हां, दिशा पटानी राधे मूवी के लिए फाइनल कर ली गई हैं और वो अब सलमान खान के साथ राधे मूवी में नजर आने वाली हैं। फिल्म में जैकी श्रॉफ, भरत, गौतम गुलाटी, जरीना वहाब, गोविंद नामदेव, अर्जुन करुंगो का भी बहुत ही अहम किरदार होने वाला है। जैसा कि आपको मालूम है कि वांटेड और दबंग दोनों ही म्यूजिकली हिट हुई थी, उसी तरीके से राधे मूवी के गाने भी बहुत ही सुपर डुपर हिट होने वाले हैं। और इसमें जैकलिन फर्नांडिस का भी एक आइटम नंबर होने वाला है, जिसमें सलमान खान अपने ठुमके लगाते हुए दिखाई देंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि राधे मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं डायरेक्टर प्रभु देवा। जी हां, वैसे तो डायरेक्टर प्रभु देवा ने सलमान खान के साथ में पहले दबंग और वांटेड जैसी मूवी डायरेक्ट कर चुकी है, जो बॉलीवुड में ब्लॉकबस्टर हिट हुई है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि राधे मूवी बॉलीवुड में क्या छाप छोड़ती है, क्योंकि इसके पहले सलमान खान की भारत और दबंग 3 मूवी सलमान खान के फैंस को उतनी पसंद नहीं आई थी। ऐसे में दर्शकों की बहुत ज्यादा उम्मीद है राधे मूवी से। फिलहाल बॉलीवुड की ताजा खबरें और अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल फिल्मी फाट।